स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने लॉगरिथम सीखा था, ठीक है। तो बेटा आज हमें कोई नंबर दिया हो, उसका लॉग कैसे फाइंड करते हैं, हम ये मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.2 था और इसमें क्या था, लॉगरिथम था, ठीक है। तो आपको याद होगा कि लॉग की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि देखिए लॉगरिथम लॉगरिथम आपके पास ये था कि अगर आपके पास ये दिया हो ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है, आप इसे लिखते थे कि लॉग वाई टू द बेस एक्स, वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास लॉग की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। आपको याद होगा कि इसे हम लिखते थे, ठीक है, कि जैसे 5 की पावर 3 है इज इक्वल टू एक्स है, तो आप इसे लिखते थे कि लॉग एक्स टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये तो थी आपके पास लॉ की डेफिनेशन है, हमने पिछले लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था। अब बेटा देखिए क्या होगा कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसका आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ये है ये 5 3 2.4, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है, आपने इसका लॉग फाइंड करना है। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, देखिए कि लॉग के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा, ठीक है। लॉग है या लॉग हैज टू पार्ट्स, ठीक है बेटा। एक आपके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। नंबर वन जो आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, और नंबर टू होता है मेंटीसा। नंबर टू आपके पास क्या होता है, मेंटीसा, ठीक है। बेटा ये दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। अब ये लॉग कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको ये मैंने बताना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये है कि ये तो 53.24 है, इसके मुकाबले में देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कि 32.45 ये है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आपने इसका ढूंढना है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको याद होगा टेक्निक क्या आप करते थे, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होती थी, ये होती थी साइंटिफिक नोटेशन के ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, और यहाँ पर जो ए होता था ए लेस देन 10 होता था, ठीक है, ए लेस देन 10 होता था, ठीक है। और n आपके पास क्या होता था, इंटीजर होता था, वो प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था, ठीक है, n इज इंटीजर। अब बेटा देखिए आपने क्या करना, देखिए जब आपने इसको लिखना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बेटा देखिए आपको याद होगा कि इस डेसिमल को, यानी ये फर्स्ट नंबर के बाद, नेचुरल नंबर के बाद आना चाहिए, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे तो पावर क्या होती थी, प्लस होती थी, और इसे आप लिखते थे इस फॉर्म में, देखें ये 3.245 और 10 की पावर 5। बेटा ये जो आपके पास पावर आती है ना, ये बेसिकली कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है, ये जो है ना ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1। अब हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब हमने ढूंढना है मेंटीसा, तो मेंटीसा के लिए आपने क्या करना है कि अब आपने डेसिमल को भूल जाना है, अब 32 के 4 में देखना, बेटा देखिए ये है आपके पास लॉग का टेबल, ठीक है। अब देखिए 32, देखिए आपके पास ये है, अब बेटा देखिए 32, देखिए आपके पास ये है, देखिए 32, देखिए आपके पास ये है, और 32 का 4, तो ये 32 देखिए आपके पास ये है, ये जो मैंने रेड ये लगाया हुआ रेड वाला, और फिर देखिए 4 का टेबल है, 4 आप देखिए ये 4 है, और 4 में अब आपने देखना है कि 32 के 4 में ये आप आ गया, आपके पास कितना आ गया है, 5105, यानी ये आ गया 5105। तो ये आप लिखेंगे या रफ में लिखेंगे 5105, और बेटा देखिए आगे आपके पास 5 है, 5 होता है डिफरेंस, ठीक है। अब आप 5 के टेबल में आ जाएंगे, देखिए ये 5 ये रहा, ये 5 है, और इसी के आगे आप 5 देखेंगे, देखेंगे ये रहा 50 32 के 4 में, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखें 5 में आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखिए ये 5 और 7 12 हो जाएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा, 5 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 2 आ जाएगा, 5 1 1 2। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास क्या है, मेंटीस है, ठीक है।
तो ये अब आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक और बताता हूँ कि देखिए, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि 50.0 बल्कि 56.7 है, ठीक है। अब बेटा देखिए, सबसे पहले तो आपने इसका ढूंढना है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। करेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया क्या करते हैं, देखिए कि आपको याद होगा कि डेसिमल इसे आपने सेट फ्री नोटेशन में लिखना है। और देखिए इसकी आसान सी टेक्निक आपने ये भी याद रखनी है, देखिए ये आपके पास था 32.45। जब डेसिमल राइट पर हो तो आपने देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो आप एक कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आपके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और टेक्निक बेसिकली ये है कि आप इसको सेट फ्री नोटेशन में लेके आते हैं, और जो 10 की पावर में होता है ये बेसिकली आपके पास करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अब बेटा देखिए, 50, 50, 67 का आपने लॉग फाइंड करना है। अब आपको याद होगा कि डेसिमल जब नहीं होता कहाँ होता है, एंड पर होता है, ठीक है। अब आपने इसको सेट फ्री नोटेशन में लेके आना है, तो सेट फ्री नोटेशन आपको याद है ये होती है आपके पास ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n होती है, ठीक है। अब आपने ए आपको याद है, मैंने बताया कि ए हमेशा 10 से लेस होगा। अब आपने इस डेसिमल को ये फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, यहाँ पे लेके आना है। जब आप यहाँ पर लेके आएंगे देखिए 5 के बाद, तो यहाँ से आप राइट से लेफ्ट पे 3 डिजिट्स गए हैं, तो देखिए जब आप यहाँ 3 डिजिट्स गए तो आपके पास ये 10 की पावर 3 आता है, 10 की पावर 3 आता है। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट। अब आपने क्या करना है, लॉग के टेबल में ये 50 के 6 में देखना है। तो अब बेटा देखिए 50 आपके पास देखिए ये है, अब बेटा देखिए ये आपके पास 50 है, ये रहा, ठीक है। और देखिए 50 का देखिए 6, बेटा देखिए 50 का 6 देखें, ये रहा 6 के टेबल में आएंगे, देखिए ये आपके पास 6, ये कितना है 7042। तो ये आप रफ में लिख लें क्योंकि आपने अपने ऐड भी करना होता है, तो ये 7042। और फिर देखिए आपके पास 7 का डिफरेंस है, इसी में आप देखिए 7 में आएंगे, ठीक है। तो बेटा देखिए 7 ये रहा, और 7 का डिफरेंस कितना आपके पास, कितना है 6 है, वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 6 आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4 और 0 7, तो ये आपके पास आ गया 7048, तो ये आपके पास का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपके पास ये है कि 0.00672 है, ठीक है। अब बेटा देखिए डेसिमल आपके पास क्या है, लेफ्ट पर है, तो जब आप इसे सेंट्रल नोटेशन में लेके आएंगे, तो आप देखिए डेसिमल को ये फर्स्ट इंटीजर के बाद शिफ्ट करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो आपको याद है देखिए कितने डिजिट्स गए हैं, 3 डिजिट्स गए हैं, 10 की पावर 3, सेंट्रल नोटेशन में 10 की पावर -3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3, ऊपर आप 3 के ऊपर बार डाल देते हैं, बार का मतलब माइनस। अब पॉइंट है, अब आपने 67 के 2 में देख लेना, ठीक है। तो 67 का जब आप 2 में देखेंगे टेबल में, बेटा देखिए 67 का 2 में आप बुक से देख रहा हूँ, बेटा देखिए 67 का जो 2 है, ये आपके पास आ जाएगा 8274, 8274। आगे 4 डिजिट्स नहीं है, तो ये आप यहीं तक कर देंगे, ठीक है, आगे यानी डिफरेंस नहीं है। अब आपको मैं कहता हूँ बुक का क्वेश्चन, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन करते हैं, बेटा देखिए बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास ये है, बुक का क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2.32। अच्छा बेटा ये आपने याद रखना है कि लॉग हमेशा ना 4 डिजिट्स का आता है, तो सबसे पहले तो आपने इसको 4 डिजिट्स बनाना है और राउंड ऑफ करना है। और आपको याद है देखें, अब ये लास्ट नंबर 9 के बाद 2 है, यानी लेस देन ये 5 है, ये नंबर लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है। अब आपके पास ये नंबर यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.32। अब सबसे पहले आपने इसका ढूंढना है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है, तो करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे आप, इसको लेके आएंगे सेंट्रल नोटेशन में। अब सेंट्रल नोटेशन में आपको याद है कि डेसिमल हमेशा फर्स्ट इंटीजर के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद, तो
जब आप इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा, तो देखिए आप कितने दो डिजिट्स आए इस तरफ। जब दो डिजिट इस तरफ आते हैं तो ये आप 10 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया 2, अब आप यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट। अब आपने इसका लॉग ढूंढना ही नहीं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक, अब आपने इसका मेंटिसा ढूंढना है। तो मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, 20 टेबल में 23 के 2 में। अब बेटा देखिए 23 आपके पास ये है, बेटा देखिए 23, देखिए आपके पास टेबल में 23 आपके पास ये, जहाँ मैं ग्रीन लगा रहा हूँ ये 23 है, ठीक है, ब्लैक बल्ब ग्रीन बल्ब। अब 23 और 2 देखें, ये 2 है। अब 23 के 2 में जब आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 55, 36 55। तो ये आप रफ में लिखेंगे, ठीक है, 36 55, ये मेंटिसा हम ढूंढे, ठीक है। और आगे 9 है, 9 का डिफरेंस। अब आप देखिए इसमें 9 में जाएंगे, बेटा देखिए 9 ये लास्ट में है, लास्ट में जो 23 के, देखिए 9 में जब आप जाएंगे बेटा ये आपके पास आ जाएगा 17। तो 17 आप यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 और 7 12 2, 5 और 6 और 1 7, ठीक है। और ये 36, ये आपके पास आ जाएगा मेंटिसा, आपके पास आ जाएगा 36 7 2, बेटा ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। आप देखिए इसका पार्ट 3 है, देखिए अब बेटा देखिए इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 है कि 0.000 और 3 2। सबसे पहले हमने इसको इसका ढूंढा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, जब इसको आप सेंट में नोटेशन में देख लेंगे तो ये देखिए आप सही यूँ लिखते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, तो डेसिमल आपके पास यहाँ फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए, तो आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए जब आप लेफ्ट से राइट पे आते हैं तो पावर हमेशा माइनस में करते हैं, तो ये कितने का 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा -4। कैरेक्टरिस्टिक कितना का, -4। तो सिंपल आपने याद रखना है कि डेसिमल को फर्स्ट नंबर के बाद लेके आना है और देखना है कितना गए, और जब लेफ्ट से राइट पे आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा माइनस में आता है। अब आपने करना है मेंटिसा, मेंटिसा के लिए क्या करते हैं आप, अब आपने ये डेसिमल को भूल जाए, 32 के 0 में देखना है, 32 के 0 में, क्योंकि दो ही डिजिट्स हैं। बेटा देखिए 32, देखिए आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास है 32, ठीक है। और 32 का 0 आपके पास क्या है, 50 51 है, ठीक है, 50 51। तो ये आपके पास आएगा 50 51। अब इसको कंबाइन करके लिख देंगे लॉग की फॉर्म में, इसका आंसर आ जाएगा 4 के ऊपर डाल देंगे बार और 0.0, ठीक है। इस तरह आपने लॉग देखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये आपके पास है पार्ट 4, पार्ट 4 आपके पास है 0.3206। बेटा देखिए सबसे पहले तो आपने इसका ढूंढा कैरेक्टरिस्टिक ना, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है। और देखिए आपको याद होगा, देखिए कि ये डेसिमल को आपने फर्स्ट नंबर के बाद लेके आना है, 10 की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, 10 की फॉर्म में इस फॉर्म में। जब आप यहाँ पर लेके आएंगे देखें तो आप एक डिजिट्स गए, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -1, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1। अब आपने इसका ढूंढना है मेंटिसा, मेंटिसा में क्या करेंगे, आप डेसिमल भूल जाएंगे, 32 के 0 में देखेंगे, तो 32 पहले हम ये कर चुके थे, 32 का 0 आपके पास आ रहा था 50 5051 आ रहा था, और आगे 6 डिफरेंस है। अब आप अपने सिर्फ 6 डिफरेंस देखना ये रहा, तो 32 देखिए ये है और 6 ऊपर देखिए ये डिफरेंस है, ये रहा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 8, तो डिफरेंस आपके पास क्या है, 8 है, 8 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, 5 0 5 9 5 0 5 9। अब आप इसे लिख देंगे -1 या ऊपर बाकी बार डाल देंगे, 1 के ऊपर बार या माइनस, हम लोग लॉग माइन करेंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।